ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से छात्रों ने खड़ी ट्रेन में आग लगाई है। ये धुएं के गुब्बार निकलते हुए ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गया जंक्शन के पास खड़ी ट्रेन में ये उग्र भीड़ ने आग लगा दी है। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के विरोध में ये एलएन लिधि हमारे साथ जुड़ गए हैं। एलएन लिधि, क्या कुछ जानकारी, क्या उग्र छात्रों को वहां से हटा लिया गया है? ये तस्वीरें भयावह है, ट्रेन में आग लगा दी गई है। जी निश्चित तौर पर, पहले जो उग्र छात्र थे वो गया जंक्शन के पास वो तोड़फोड़ किया, श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन में तोड़फोड़ किया। उसके बाद जो पुलिस के द्वारा जो उग्र आंदोलन जो छात्रों छात्र थे उसे भगाया गया, और ठीक वहां से करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर के जो ट्रेन खड़ी थी, खाली ट्रेन खड़ी थी, उसके एक बोगी में आग लगा दिया है। वहां इतनी भयानक लगी है, फिर आपको बुझाने के लिए शायद एक टीम को बुलाई गई है और आग बुझाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छात्र जहां जहां रेलवे लाइन की तरफ जो भाग रहे हैं, आगे आगे ट्रेन के बोगी में आग लगाते जा रहे हैं। फिलहाल जो पुलिस है वो लगातार जो है आंसू जो गोले होते हैं उसे छोड़ रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर गया पुलिस, रेलवे पुलिस की तमाम अधिकारी वहां पहुंचे हुए हैं और जो घटना हुई है उसे शांत कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जी एलन, कितने ट्रेन के बोगी में आग लगाई है, क्या कुछ जानकारी? देखिए फिलहाल अभी एक कोच में आग लगी है, और जैसे जहां पर हम खड़े हैं वहां से काफी दूर से नजर आ रही है कि वहां भी काफी तेज आग की जो है लपटे है वो भी निकल रही है। तो बताया जा रहा है कि आगे भी कहीं ना कहीं ट्रेन के बोगी में आग लगाई है। जी एलन, क्या छात्रों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद उग्र हुए हैं छात्र और इसके बाद उन्होंने आगजनी करनी शुरू की है? नहीं नहीं, पुलिस के द्वारा किसी तरह के कोई पहले कार्रवाई नहीं की गई थी। जो छात्र जो है अगले सुबह से ही एक मैदान में उमड़े थे और देखते देखते ही वो सौ से जो हजारों की संख्या में जो छात्र है वो एकजुट हो गए, और इसके बाद जो है वो छात्र जो है गया जंक्शन के चारों तरफ जो है वो प्रदर्शन करने लगे, और देखते देखते जहाँ पर पुलिस जहाँ पर कम थी वहां पर रेलवे स्टेशन अंदर घुस गए और वहां पर सबसे पहले जो श्रमजीवी एक्सप्रेस थे उस पर रोड़ेबाजी करना शुरू कर दिए, और कई जो ट्रेन के जो बोगी है उस कई ट्रेनों के बोगी में जो शीशे हैं उसको तोड़ना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे पुलिस उन लोगों को खदेड़ना शुरू किया और जो रेलवे लाइन तक वो भागने लगे, और रेलवे लाइन भागने के क्रम में जहां जहां रेलवे ट्रेन मिली वहां पर तोड़फोड़ करने लगे, और इसी क्रम में गया के करीमगंज की घुमटी के पास वो एक ट्रेन के बोगी में आग लगाया गया, और बताया जा रहा है कि आगे भी एक बोगी में ट्रेन में आग लगाई है। जी एलन, क्या जिस तरह से छात्रों ने जंक्शन को अपने कब्जे में ले लिया था उसे पूर्ण रूप से अब खाली करा लिया, सभी छात्रों को खदेड़ दिया गया है? जी निश्चित तौर पर, जिस तरह शुरुआत में घटना हुई थी वहां पर गया जंक्शन के बाहरी परिसर में थोड़ी सी वहां पर जगह खाली थी, वहां पर ये लोग घुसे थे, वहां पर पुलिस बल की तैनाती हुई, उनको भगा दिया गया था। जी क्या ट्रेन पे जो आग लगी है उसे बुझाने के लिए वहां पर अग्निशमन की विभाग पहुंची हुई है अभी? जी अभी निश्चित तौर पर अभी जस्ट वहाँ फायर ब्रिगेड की 2 से 3 गाड़ियां वहां पहुंची है और वो आग को बुझाने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जी चलिए और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ ब्रजमोहन जी जुड़ चुके हैं, बिहार झारखंड के इनपुट एडिटर। ब्रजमोहन जी, जिस तरह से छात्रों का उग्र आंदोलन जारी है, अब छात्र जगह जगह आगजनी करने लगे हैं, अपनी मांग पर डटे हुए हैं, ऐसे में सॉल्यूशन क्या निकलता है? इसमें निश्चित तौर पर ये जो आगजनी की घटना हो रही है ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी आपने देखा कि कल भी काफी इस तरह के हिंसक वारदात हुए हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से और रेलवे मंत्रालय की तरफ से इस पर पहल करने की जरूरत है ताकि जो उग्र छात्र हैं उनको शांत किया जा सके। और आपको ये बता दें कि ये जो आंदोलन है, उग्र आंदोलन अभी चल रहा है, ये सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि ये उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही। तो निश्चित तौर पे बड़े लेवल पे एक पॉलिसी डिसीजन और खास करके इनको बताना पड़ेगा, छात्रों को समझाना पड़ेगा कि वाकई स्थिति क्या है, जिन चीजों को लेकर ये सड़कों पर उतरे हुए हैं कि रिजल्ट में कुछ घपला हुआ है, इसमें हेराफेरी हुई है, तो इसको लेकर मुझे लगता है कि एक बड़े लेवल पे अभी डिसीजन लेने की जरूरत है। ब्रजमोहन जी, जिस तरह से रेलवे अधिकारियों का ये कहना है कि जो छात्र पास हुए हैं या फेल हुए हैं उनको बैठाकर, एक प्रतिनिधि को बैठा करके इस मामले को सुलझाया जा सकता है, ऐसे में छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि रेल मिनिस्टर आए और वो घोषणा करें, ऐसे में किस तरह की स्थिति बनती है? इसमें देखिए कल भी बातचीत की कोशिश कल भी हो रही थी, लेकिन इसमें जो संगठन इसमें घुसे हुए कुछ इसमें लेफ्ट जो लीडिंग के ग्रुप है छात्र संगठन वो उसमें जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पे एक जो राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए थी, राजनीतिक रोटियां में लोग सेक रहे हैं, परेशानी यहां से हो रही है क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे तो वाकई जो असली मुद्दे हैं असली मुद्दे दब जाएंगे
और राजनीति इस पे हावी हो जाएगी। जिस तरह से हमने किसान आंदोलन में देखा था कि किसानों के मुद्दे दब गए और जो पॉलिटिकल पार्टी जो उसमें किस तरह से हिस्सेदारी ले रहे थे और उसमें आग में घी डालने के काम कर रहे थे, तो अभी बहुत जल्दी बगैर ज्यादा समय जाया किए सरकार को ये फैसला लेना पड़ेगा। जो बातचीत के लिए जो भी छात्र संगठन है उनसे बातचीत करके अगर इसमें कुछ खामियां हुई हैं, कहीं कुछ त्रुटि है रिजल्ट में, तो उसको हल करने की कोशिश करनी चाहिए। और किसानों और जो छात्र हैं, छात्रों से बात करके उनको ऑनबोर्ड लेना चाहिए, तब इस समस्या का समाधान होगा। हिंसा निश्चित तौर पे कोई समाधान नहीं है कि रेलवे में आप आग लगा रहे, तो आप नुकसान तो अपना ही कर रहे हैं, भारत देश का ही नुकसान कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी का आप नुकसान कर रहे हैं, और इससे कुछ हल नहीं होगा। हल तो जब तक आप बातचीत करने के लिए टेबल पे आमने सामने नहीं बैठते तब तक तो कोई समाधान होगा नहीं। निश्चित तौर पर सरकार को जल्द से जल्द इस समाधान का समस्या का समाधान करना है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रजमोहन सिंह। तो गया में हिंसक झड़प और छात्रों ने यहां पर ट्रेन में आग लगा दी है। छात्र लगातार उग्र हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। वो इस रिजल्ट को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।